गाइस वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं माय अनदर रेसिपी वीडियो। या गाइस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं एक रेसिपी वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ भरवा बैगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी एंड मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा मेरे से, क्योंकि एंड जिस तरीके से मैंने भरवा बैगन बनाया है सो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा जिन लोगों को बैगन नहीं पसंद है, एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे भी बैगन नहीं पसंद है। सो मैंने जिस तरीके से भरवा बैगन बनाया है उसमें तो आपको बैगन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मीन्स आप ज्यादा बातें नहीं मैं करूंगी, आप देखो बनाओ और खाओ गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिया है एक ये गोल मटोल सा छोटू सा बैगन, आप देख सकते हो। तो हमें इस साइज के ही बैगन लेने हैं, क्योंकि इस साइज के बैगन आप लोगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्यूट लगेगा। एंड हमें इस तरह से इस बैगन को काट लेना है। इसे हमें चार भाग में काटना है और इसकी जो पूंछ है उसे हमें नहीं काटनी है। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, मैं तो इसे पूंछ ही कहती हूँ। तो इसे हमें नहीं काटना है एंड इस तरह से इसे चार भाग में हमें काट लेना है। आप देख सकते हो मैं सारे बैगन को काट ले रही हूँ। देन मैं एक बाउल में लूँगी पानी। सो हमें इतना पानी लेना है जिसमें हमारा सारा बैगन अच्छे से आ जाए, डूब जाए। वैसे तो बैगन डूबेगा नहीं, बट फिर भी तो इसे हमें अच्छे से इसमें डाल देना है एंड 10 मिनट के लिए इसे हमें सोक करना है, या ताकि अच्छे से हम जो भी इसमें मसाला डालें ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए एंड हमारे मसाले को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो इसे हमें 10 मिनट के लिए वाटर में सोक करने देना है। देन हम यहाँ पे लेंगे मूंगफली, जीरा एंड यहाँ पे मेथी दाना लिया है मैंने, एंड इसमें अजवाइन मिक्स है क्योंकि हम मिक्स करके रखते हैं एंड हम हर सब्जी में इसे डालते हैं। आप चाहो तो सिर्फ मेथी ले सकते हो। देन मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है एंड इसमें मैंने सारी मूंगफली, जीरा एंड मेथी को डाल दिया है एंड हम इसे हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा सेकना है हम इसे, क्योंकि कच्चा मसाला अच्छा नहीं लगेगा अगर आप बैगन में भरोगे तो। हल्का सा अगर उसे भून के भरोगे तो वो हल्का सा भुना हुआ स्मेल आएगा, बहुत ही सोना सोना सा स्मेल आएगा, तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और उसकी स्मेल भी अच्छी लगेगी। सो या देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मूंगफली, जीरा एंड मेथी था वो अच्छे से भून चुका है एंड कलर भी इसकी अच्छी लग रही है। सो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल लिया है क्योंकि इसे हमें पीसना है, पर इसमें पहले हम मसाले और ऐड करेंगे, जिसमें पहला मसाला है हमारा ये लाल मिर्च पाउडर, देन टर्मरिक इसमें हम ऐड करेंगे एंड मैंने यहाँ पर लिया है ये सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर एंड थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर। देन मैंने यहाँ पे लिया है ये आमचूर, सो आप इसमें आमचूर ऐड करें एक चम्मच। देन हम इन सबको अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ भी अलग ना लगे। एंड देन हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सो आप अपने अनुसार से नमक इसमें ऐड कर सकते हो। देन हम सारे सूखे मसाले को अच्छे से बैगन के जो हमने पार्ट्स किए थे उसके बीचों बीच हम इसे भर लेंगे एंड देख रहे हो मैंने सारे मसालों को अच्छे से भर लिया है बैगन में। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी एक कढ़ाई एंड इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो, बट मैं थोड़ा ऑयल ही खाना पसंद करती हूँ, सो मैंने थोड़ा ऑयल डाला है एंड इसमें मैंने सारे बैगन को डाल दिया है एंड इसे हमें करना है हाफ फ्राई। सो मैंने इसे सारे बैगन को डाल दिया है, सो इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, इसे हमें हाफ पकाना है। देन आप इसे ढक दे किसी चीज़ से ताकि ये अच्छे से पक जाए, इसे ज़्यादा टाइम ना ले। अगर आप किसी भी चीज़ को ढक देंगे तो वो जल्दी पक जाती है। सो आप देख सकते हो ये अच्छे से आधा पक चुका है। सो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये अच्छे से आधा पक चुका है, इसे अब हमें निकाल लेना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज को मैंने अच्छे से बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ है एंड मैंने यहाँ पे फिर टमाटो लिया है एंड टमाटो को मैंने मिक्सर में पीस लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है।
सो अब अगेन हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल एंड उसमें डालेंगे हम जीरा, सूखी लाल मिर्च एंड चेक पत्ता एंड थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हींग एंड इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। देन हम इसमें डालेंगे चॉपिंग किया हुआ प्याज एंड इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए देन हम इसमें ऐड करेंगे टर्मेरिक एंड सॉल्ट एंड देन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड थोड़ी देर पकाएंगे हम इसे, देन हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले। सो मैंने इसमें डाला है जीरा एंड धनिया का मिक्स पाउडर एंड देन मैंने यहाँ डाला है दालचीनी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड अच्छे से पकाऊँगी मैं इन्हें, क्योंकि आप जितना अपने मसाले को पकाएंगे उतना ही आपकी सब्जी की टेस्ट बढ़ेगी। सो यहाँ मेरा मसाला 70% पक चुका है, देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो का पेस्ट एंड इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों में। सो आप देख सकते हो कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत ही थोड़ा सा आप देख सकते हो। सो अब हम इसमें ऐड करेंगे बैगन एंड देन हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, सो इट मीन्स हमारा जो भरवा बैगन है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो बबल आ रहे हैं इसमें। सो हमारा जो भरवा बैगन है वो रेडी है। सो सॉरी गाइज, मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई। सो ये मैंने लास्ट मिनट ये क्लिप लिया है। ये है हमारा भरवा बैगन एंड बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। सो